वेलकम टू पहाड़ों पे मैगी खा ले, मैगी का मजा पहाड़ों पे है। पानी नहीं है यहाँ पे, और ओ बाबा इतनी देर हवा बड़ी तगड़ी है। ये पानी का सोर्स हमने इन्वेंट किया एक, तो अभी मगर ये जनाब बिल्कुल प्योर फ्रेश वाटर, बर्फ वाला पानी। और पानी तो हमें मिल गया, पानी की टेंशन नहीं है, पानी बन जाएगा। लेकिन यहाँ 2 मिनट भी खड़ा हो ना, ठंड है वे, यहाँ खड़ा नहीं हो सकते ना, यहाँ पे बैठ सकते हैं। अंदर से ऐसी भयंकर ठंडी हवा चल रही है, हड्डियाँ कांप जाएंगी। नज़ारे 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 भाई साहब। पानी नाले वाले तो है नहीं, तो फिर एक थोड़ा सा जुगाड़ मार दिया और ऐसे पानी निकाला है। बनाएगी मैगी, बनेगी मैगी पहाड़ों पे। मैगी नहीं खाई तो क्या खाया। हाँ जी, योगी खली शॉट अपनी फेरी मैगी खोलनी काटनी। हाँ तो पानी आने में जोर थू खोल ना, ठंडू चिल्ले अच्छा। मैगी कैसे बना रहे तू ये मैगी? ये तो सीधी बनानी है। हाँ तो पानी वानी डाल के ना, कहाँ हाथ में लगी, हाथ में लगी तू मलैया ना उसमें। ये भाई साहब ये हो गया, ओए गंद वाली जितनी भी चीजें वापस जाएंगे लिफाफे में। मैगी खाएंगे और उसके बाद जाएंगे। और ये है सुनबाई और एक नंबर मतलब टॉप पे आज हम यार, टॉप पे मतलब यार सुकून और मजा जो है ना, आय हाय 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 हाय, नजारे नजारे। थोड़ी सी सख्ती आई ऊपर चढ़ते चढ़ते, बड़ा मजा है। झाड़ी में आई थोड़ी देर सख्ती पर मजा आया हमको। ये फिर कुट जैसी मिल गई है किधर नीचे छुपने के लिए, तो बाकी तो ये मोटे मोटे जो लोग हैं कुट में लगे नहीं, तो मैं कुट के नीचे आराम से बैठा रहा। फायदा हो गया मेरे को, पतला होने का यही फायदा है जी, कुट के नीचे चले जाओ। इतनी की जगह अभी बोए तो कुट में घुस जाओ। बड़ी छिलका करता हूँ हर तो लून बचाने बचाने ना थू ओए लून ना बचाऊंगा फिर भाई गढ़ जरूर नहीं यार पिपली देर क्या सेक सी खात ना पिपली ना बथोर जो तो बचान थू यार क्या करता है तू पिपली आन पिपली क्या कर ओए गंद नहीं करना अगर इधर पहाड़ों पे। हां गंद नहीं करना सबसे बड़ी बात ये है कि गंद नहीं करना यार। इसमें लून है थोड़ी थोड़ी यार लून होने रहा दे यार ऐसे बचा के लून इसमें ज्यादा तो थर्ड में नहीं है पनीर में इसी को फिर इधर मलते हैं तो पिपली खा ली पर फिर से जनिश्चन भी ना ओह को बात यार कोलस पे जाते हैं ना नहीं तो कोई रहे और चली जो काकड़ी खा थैंक यू खा ले काकड़ी यार तू भी के याद रखेगा दे तेरा बोतल तेरा पानी उसमें दे थको तो थोड़ा अब नहीं लानी। हाँ यार मैगी मसाले के साथ खीरा टेस्टी बना नहीं होता ना सर कच्चा ही क्या तू पेपर सेट नहीं था कौसमा मैगी में सेट नहीं ठोक थोड़ी नहीं बा तो नहीं नहीं छड़ छड़ उस पर थोड़ो गोड नेड़ा ना भईयो आ करो गोड छड़ में अंदर थोड़ो ग्लोय गोड नजदीक नजदीक के ने पेन और गोड छड़नो बाबा और गोड छड़नो बा थोड़ दो तेल तो छड़ो अगर आग ना बली ऐसे तेल छड़ रहे तेल की छड़ना तू
वेलकम टू पत्थर के नीचे जनाब, ये पहाड़ू की मैगी है ये, और इन 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 दो जो महाशेप जो पीछे बैठे हुए हैं इनका दिमाग देख लो। मैगी लाई, पतीला लाया, सीख भी लाई। चलो ठीक है, खानी किसमें भाई साहब ये बताओ। सीखों से खानी और किस सीख इसीलिए लाई है। मतलब इस बोतल उठाना भूल गए हैं। नहीं आप कुछ लाए हैं, मैं अपने आप को ले गया। अरे ये बहुत बड़ी ये बड़ी बात है। मैगी बनेंगे अभी गर्मा गर्म, मैगी खाएंगे पत्थरों पे, खाएंगे पत्थरों पे। ये देखो ये साफ 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 पत्थर लाएंगे ना, पत्थर धोएंगे यार। तो पत्थर पे क्या है, साफ ही होते पत्थर साफ। कुदरत की जितनी भी चीजें सब साफ है, पत्थर साफ है, पानी पानी भी हमने अभी उधर ग्लेशियर से भरा है साफ, बिल्कुल पत्थर भी ऐसे धो के दे हूं ले चले। फिर हमारी मैगी हो गई है तैयार, अब हम खाएंगे मैगी। लगी है मेरे को भी लगी है। और दीवानशु साहब इधर क्या कर रहे हैं ये भाई साहब? पनीर सीखों में डाल रहे हैं हम इनको। फिर जो आएगा यार, दुकानों पे पैसे दे के आपने बहुत पनीर खाया होगा, पहाड़ों पे आग जला के खुद बना के पनीर खाने का मजा ही अलग है। एवरीथिंग ओके, भली बात। ओए क्या हुआ, मुक्का बॉय बड्डू वाले ठोक, बड्डू वाले लांडू ने यार की चिपक। देखो अब ये सेक लगेगा और हमारा पनीर कलेगा। बस बेले बेले का थोड़ थोड़ जनाब, पनीर तल रहा है हैं? और ये भूखे नंगे लोग शुरू हो गए खाने। और सबसे पहले तो आप ही शुरू हुए, आप ही ने शुरुआत की है। हम तो बाद में देख के हमें भी उत्सुकता जागी। उत्सुकता नहीं होती है, उत्सुकता नहीं होती है भाई। ये भाई साहब मैगी देख लो, ये देख लो मैगी, यानी पती लोट ला तो पूरो देखना प्लेट ना सर्कले में चलते पती लो चलते फिरी है। समझदार मैन तू, असि ते गैंग लीडर बने ते रखा करो मत है। पर मेरे को एक्सपीरियंस तू है इसमें ज्यादा, तेरे सूप तब जोर हो जाते हैं। चलो चीजें सीखता बंदा, इसी से पता चला हमें कि जब नेक्स्ट ट्रिप पे जाना है तो ये चीजें साथ रखनी है। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैगी। अच्छा, पहाड़ों में मैगी, पहाड़ों में मैगी का मजा ही अलग है ना। मैगी चम्मच लाना भूल गए। अभी माइनस कितना डिग्री होगा अंदर? अभी होगा माइनस एक या दो। बहुत ठंडा है अंदर, इसलिए तैयारी से जाना है। हवा ऐसी आ रही है ना अंदर से, और ये धोना भी है। हाँ थोड़ा छलोकना भी है। पागल है, धोने वाला पानी नीचे इस ठंडे पानी से धोना। हाँ धोने वाला ये नीचे वाला यूज कर, ये छलोकने वाला नहीं, नीचे नीचे से उठा सकता है, ये साफ ही होगा।
भाई ओए बर्फ ओए भाई, ये पानी करंट मारता है यार, ये निकालना जरूरी है। नहीं है, नहीं मैगी तो है। हाँ। मैगी वाली चाय पीनी है, और क्या होगा। नहीं नहीं, ये निकालना उतना जरूरी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो भाई। बस भाई ओए ठंड हुआ यार। ओहो, इधर से ऊपर से कितना ठंडी हवा आ रही है। मैं चैलेंज देता हूँ तेरे को, 20 मिनट तू इधर बैठ, उधर 20 मिनट तक, पर एक शर्त पे। हाँ। लेने आ जाना फिर उठाने। चल फिर, ये इधर थोड़ी वेट करना है इसका, ये जब भरेगा फिर आएंगे। चल आजा। ओए ठंड है यार सच्ची। देख इधर, जो महाराथी थे वो चाय का सामान तो ले आए, लेकिन चाय का कप लाना भूल गए, इसलिए हम इन बोटल्स को काट के अपने चाय का कप बना रहे हैं। हालांकि प्लास्टिक में पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चाय बनी है तो उसे वेस्ट होने तो नहीं देंगे। तो ये बन गए हमारे कप, अब हम इनमें पियेंगे चाय। आप ऐसा ना करें। अगर ये ढक्कन खुल गया तो चल। हाँ जी, नहीं रहा लोग भेजने। बैकअप? यस सर। कैसा मजा आया? बहुत मजा आया। हैं योगी? बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रैक, वी एंजॉयड अ लॉट। स्टिल आर देयर आर थिंग्स व्हिच आर मिसिंग, फॉर एग्जांपल वी फॉरगॉट टू ब्रॉट डिस्पोजल कप्स, डिस्पोजल प्लेट्स लाइक दैट। Yeah. We forgot to bring water bottle. Yeah. Also, and many more things. But yeah. At the end, we enjoyed a lot. Yeah. Very much. Hindi mein sohi chitu. Fuck up. Oops. Hindi thi? Aise bola. Oops. Oh, sorry. Actually, afsos raha hai lekin. Actually, I was going to say pack up. पैक आप पैक। yeah, bro. ठीक है। वो जो पहाड़ की चोटी पे जाने वाले थे, पहुंच पाए अगली बार, पर नेक्स्ट टाइम इन्हें भी आ रही है। नींबू है ना, मुनिकार रहे कर तू उन नलार काट रहे हैं। और तो क्या हुआ, नींबू चाय बन सकती है अभी भी? हाँ, चाय पत्ती फेंक दी मगर। हाँ, पानी भी इसी में फेंक दो। इधर ही मुंह लगा लो। अरे ग्लास जाना बंद हो रहे ना, मेरा कैम गोप्रो मेरा गुलबंद। तो जनाब मजा आया, अब टाइम है पैकअप का। शाम हो चुकी है, शाम ही नहीं हो चुकी है, मुझे लगता है अब टाइम 5 बज गए हैं। तो अब वापस लौटने का समय आ चुका है, अब हम पैकअप करते हैं। लेकिन आग बुझा देना यार, ये ऐसे नहीं रखना। नहीं नहीं, तो मजा आया, एंजॉय किया बहुत अच्छी, और बहुत खूबसूरत जगह है सुन भाई। अगर आपके पास कभी मौका हो, आपको मिले, तो जरूर आओ सुन भाई, घूमो यार, ये लफाफा मजे करो। कितने कर दूं? अब मैं तसमा उठाता, खा इतना लिया है ना कि बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। तो सुन भाई फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, आएंगे। हाँ दीपू सर, सर अब जो थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत पैकिंग में कर रहा हूँ। पैकिंग कर रहा हूँ, पैकिंग करो। अब थोड़ी ठंड भी हो गई है यहाँ, थोड़ा थोड़ा शाम का टाइम है, अब सर्दी हो गई, बारिश आई थी बीच में तो उसने थोड़ी ठंड कर दी, लेकिन फिर से एकदम से धूप आई जिसने हमें थोड़ा सा गर्म गर्म किया। हाँ, जिसने हमारा दिन बना दिया। अगर बारिश रहती तो फिर शायद मज़ा नहीं आता। तो भाई
ये है वो जगह जहाँ हम आज रुके, खाना बनाया, खाना खाया। ये है और इन भाई साहब को देखो, ये भाई साहब देख लो क्या कर रहे हैं ये। हाँ मतलब नाइट का था, लेकिन आज हम ऐसे ही आए थे, आज हम नाइट के उसमें नहीं आए थे, अगली बार ज़रूर आएंगे नाइट के उसमें। तो यार एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, 50,000 तक सब्सक्राइबर पहुँचाने। और ये हमारी भद्रवाह की, एक्सप्लोर भद्रवाह की पहली सीरीज़ है। अब इसके बाद हम भद्रवाह को एक्सप्लोर करते रहेंगे, अगला अलग जगह पे जाएंगे और लोगों को दिखाते रहेंगे कि हमारा भद्रवाह जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आएं, ट्रैक करें, कम नहीं है किसी से भद्रवाह, जन्नत है। जन्नत से कम नहीं मेरा भद्रवाह, जन्नत से कम नहीं मेरा भद्रवाह। आगे क्या था भाई? ढोल बजाओ और नाचने शुरू हो जाओ। ओ जन्नत से कम नहीं मेरा भद्रवा, मेरे भद्रवा में है बूटे बंज के, बंज के साथ है चिमे और गेड़। यो यो यो, यो गेड़ के पेड़ से निकलते हैं ओथनु ओथनु, हम डालते गाय के नीचे। जन्नत से कम है गोबर, फिर डालते हैं हम उसको खेत में, खेत से निकलता है अनाज, अनाज मतलब हो गया प्याज, प्याज होता है महंगा। तो जन्नत से कम नहीं मेरा भद्रवा। योगी तू भी गाएगा कुछ? आ नहीं रहा कुछ याद मेरे को। हैं? मैं सोचा तो आपका ब्लॉग खराब हो जाएगा अगर मैं गाने लग गया तो। निकलो फिर पहली फुर्सत में। जब तुम्हारी शक्ल आई थी तब भी हमने यही सोचा था कि खराब हो जाएगा। काल हर रोग हर दुख हर कष्ट हर दारिद्र हर 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 महादेव। एक ना एक रिक्वेस्ट है, जो भी ट्रैकर्स यहाँ पे आते हैं, घूमने आते हैं या कहीं से भी आते हैं, चाहे भद्रवाह से आते हों या बाहर से आते हों, एक रिक्वेस्ट है, हमारा भद्रवाह अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत साफ सुथरी जगह है, फ्रेशनेस है यहाँ पे, पीस है, सुकून है। तो आप लोग भी जब पहाड़ों में आते हैं तो शायद इसीलिए आते हैं ना, कि आपको भी थोड़ी शांति चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए, स्वच्छता चाहिए, पीस चाहिए और एक क्या कहते हैं फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, गंदगी कर लेते हैं और ये प्लास्टिक के जो खाए हुए हैं लेज कुरकुरे के पैकेट्स, बोतल जूस की, ये सब यहाँ पे फेंक के निकल गए। तो भाई जब आप इतना सामान यहाँ ऊपर तक उठा के लाते हैं और जब ये चीज़ें खाली हो जाती हैं, इनका तो कुछ वजन बचता ही, दूर से आप चढ़ के आते हो या खाने पीने का सामान लेके आते हो, इतना भारी होता है, ठीक है, लेकिन जब खाने के बाद तो उसका कोई वेट ही नहीं बचता है ना, हल्का हो जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, समेटना है, वापस अपने बैग में डालना है और जाके जहाँ सिटी वगैरह में जो कचरे का डैम्स होते हैं या डस्टबिन लगे हुए हैं वहाँ फेंक देना है। तो ये गंदगी मत करो यार, अगर यहाँ पे भी गंदगी होने लगेगी तो फिर हम वहाँ से यहाँ आने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ये रिक्वेस्ट है, ये ऐसे नहीं, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि पहाड़ों पर गंदगी ना करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे।